हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा रिवीजन चल रहा था थर्ड चैप्टर का, यानी अवर बॉडी चैप्टर का नेम था। ये चैप्टर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर चुकी थी एक बार, जिसमें मैंने आपको बताया था बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स, यानी जो बाहर से हमको दिखाई देते हैं। फिर बात चली थी हमारे इंटरनल पार्ट्स की, जो हमें दिखाई नहीं देते पर होते ज़रूर हैं। फिर आपको बताया था कि हमारे हैंड से हम क्या वर्क करते हैं। फिर आपको बताया था कि हम लेग से क्या वर्क करते हैं। आपके ब्रेन का वर्क बताया था मैंने आपको, आपके हार्ट क्या वर्क करता है वो बताया था। उसके बाद हमने हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय जो पूरी फाइव होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। फर्स्ट था सेंस ऑफ साइट यानी आईज, फिर था सेंस ऑफ स्मेल सॉरी हियरिंग यानी ईयर्स, फिर स्मेल यानी नोज, टेस्ट यानी टंग, एंड लास्ट टच यानी स्किन। ओके, आज बारी है हमारे एक्सरसाइज करने की एंड क्विक रिकैप, यानी इनको हम शॉर्ट में एक बार नज़र डालेंगे कि इस चैप्टर हमने क्या सीखा और फिर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, क्विक रिकैप में देखिए, अवर बॉडी इज एन अमेजिंग स्ट्रक्चर, यानी हमारी बॉडी एक अमेजिंग स्ट्रक्चर होता है, एक मशीन की तरह काम भी करता है वो। इच पार्ट ऑफ अवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, हमारी बॉडी का हर पार्ट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी सबका अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप किसी मैंगो को देखते हो, मैंगो के ट्री पे मैंगो देखते हो बहुत सारे, तो आपकी आईज उसको देखती हैं, फिर आपके लेग्स उसको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपके हैंड उसको तोड़ते हैं, आपके हैंड उसको खाने के लिए मुंह में भी डालते हैं, फिर आपके टीथ उसको चबाते हैं, आपकी टंग उसका टेस्ट लेती है और उस मैंगो को आपकी टंग की हेल्प से आप स्वेलो करते हो यानी निगलते हो, है ना। तो इन सब में पूरी बॉडी का अपना अपना अलग अलग पार्ट था ना, और आपकी नोज़ ने उसको स्मेल भी किया, यम्मी स्मेल है ना, खाने का मन कर रहा है ऐसा। फिर है दी हार्ट एंड अ पेयर ऑफ लंग्स आर इन साइड अवर चेस्ट, यानी हमारे चेस्ट में क्या होता है, एक तो हार्ट होता है यानी दिल, और टू लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब एक्सरसाइज ए देखिए, टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेन एंड ब्लैंक आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन और क्या हमारे बॉडी का इंटरनल पार्ट होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं दिखाई देता। तो हार्ट होता है जो बाहर नहीं दिखाई देता, या हेड हमारा सिर बाहर दिखाई नहीं देता, या हमारी गर्दन बाहर दिखाई नहीं देती, या फिर हमारे हैंड्स बाहर दिखाई नहीं देते। हैंड्स तो सबको दिखते हैं, नेक भी दिखती है, हेड भी दिखता है, लेकिन हार्ट दिखाई नहीं देता, यानी इंटरनल पार्ट सही है। तो इस पर राइट लगाएंगे ये पे। ट्रंक एंड ब्लैंक आर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, अब इन चारों में से एक्सटर्नल क्या है यानी बाहर क्या दिखता है वो बताना है। लंग्स यानी फेफड़े नहीं दिखते, स्टमक यानी पेट नहीं दिखता, हार्ट यानी दिल ये भी नहीं दिखता, लेकिन नेक यानी गर्दन तो दिखती है ना, तो इसका आंसर है डी। वी कैन क्लिक द कंप्यूटर माउस विथ अवर, हम कंप्यूटर के माउस को क्लिक किससे करते हैं, लेग से, पैरों से, या हैंड हाथ से, या ब्रेन से, या नोज से। सिंपल सा आंसर है हैंड से। वी स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंस विथ अवर, हम डिफरेंट टाइप की खुशबू किससे स्मेल करते हैं, किससे सूंघते हैं, आई से, नो आई से देखते हैं, नोज से, यस टंग से टेस्ट करते हैं, ईयर से सुनते हैं, तो आंसर है नोज। फिर है टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू मूव द फूड इन द ब्लैंक, टंग यानी जीभ हमारी किस काम में हेल्प करती है, एक तो वो टेस्ट लेने में, दूसरा उसको स्वेलो करने में, निगलने में, और बोलने में, तीन काम हेल्प करती है ना, तो वो खाने को कहाँ पहुँचाती है, स्टोमक में या माउथ में, नेक में या लंग्स में, स्टोमक, माउथ, नेक या लंग्स, तो वो फूड को स्टोमक में नहीं पहुंचाती डायरेक्ट, माउथ में पहुंचाती है। ओके, तो इसका आंसर है बी। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। टी यानी ट्रू जो सच है, एफ यानी फॉल्स जो सच नहीं है। अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हेड, नेक, ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स, हमारी बॉडी में हेड होता है, नेक होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं, तो ट्रू। वी कैन थ्रो द बॉल विथ अवर चेस्ट, हमारी बॉल को हम चेस्ट यानी छाती से फेंकते हैं क्या, नो हैंड से फेंकते हैं, तो सेकेंड में आएगा फॉल्स। हार्ट ऑल्सो हेल्प्स अस टू शो इमोशन, क्या हमारा हार्ट हमारे इमोशन को शो करता है, नो ये काम तो हमारा ब्रेन करता है, तो फॉल्स। अवर ईयर्स आर अवर सेंस ऑफ हियरिंग, हमारे कान सुनने का काम करते हैं, येस तो ट्रू। दी हार्ट एंड अ पेयर ऑफ लंग्स आर इन साइड अवर चेस्ट, हमारी चेस्ट के अंदर, हमारी छाती के अंदर हार्ट होता है यानी दिल होता है, और एक जोड़ी लंग्स होते हैं, येस ट्रू। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, इसको आप पढ़ लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। अब एक्सरसाइज सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स